Only one. Thank you. चलिए जी, हो गई है अपनी एंट्री। तो हम लोग खिड़की से निकलेंगे बाहर। ज्यादा निकला नहीं जाएगा, लेकिन जैसा भी है आप देखिए। तो एक ऊपर से देखते हैं जी एंट्री। हाँ, सुनने में ये आता था कि यहाँ पे जो महारानियां महारानियां होती थी, जो लोगों को देखना चाहती थी इधर उधर से, नो अपने छोटे छोटे रोशनदानों के बीच में से, तो वो यहाँ से देखती होती है। यहाँ से निकलने का भी भाई, एग्जिट करने का भी, मतलब इतना बढ़िया बना रखा है हवा महल तो भाई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हमारा जयपुर में है जी दूसरा दिन, और हमने अपने नए होटल में भी चेक इन कर लिया। एक्चुअली मैंने होटल वहाँ पे लिया है जो अपने आसपास की सारी चीज़ें यू नो कवर कर पाऊँ मैं इजिली। तो पीछे आप मेरा होटल देख सकते हैं, ये है महादेव कुछ करके, महादेव होटल है। तो हमने यहाँ पे अभी चेक इन कर लिया। हम लोग चलेंगे जी हवा महल के साइड। कल आपने जो मेरा लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा, आपने रात का हवा महल देखा होगा सारा, लेकिन आज जो है मैं आपको हवा महल के अंदर का सारा सीन दिखाने वाला हूँ, और वहाँ की मार्केट भी एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो बड़ी खतरनाक होने वाली है, थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी वीडियो, लेकिन जबरदस्त होने वाली है। तो चलिए, लीजिए जी ये आ चुके हैं हवा महल की एंट्री, और इस गेट से हम लोग करेंगे हवा महल पे दावा। दावा नहीं मतलब एंट्री हम लोग यहां से करेंगे जी। तो बड़ी मशक्कत के बाद अब पहुंच चुके हैं जी हवा महल, और यहां से है हवा महल की एंट्री। स्कूटी जी मैं पीछे पार्किंग में लगाया, पेड़ पार्किंग में, और एंट्री आगे से होगी, आगे से करेंगे एंट्री हवा महल के लिए। चलिए पहले तो टिकट देखते हैं जी, शायद आई थिंक टिकट भी लेनी पड़ेगी। और हाँ, लिखा हुआ है टिकट भी लेनी पड़ेगी। तो पहले चलिए पहले जो टिकट लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं एंट्री। और टिकट का भी मैं आपको प्राइस दिखा देता हूँ कि टिकट का प्राइस टोटल कितने का पड़ेगा अपने को, क्योंकि हाँ तो 52 रुपीज की यहाँ पे हवा महल में जो टिकट है जी वो 52 रुपये की है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पड़ेगी 22 रुपये की, और फॉरनर्स के लिए भाई 202 रुपये की। अगर फॉरनर्स का कोई स्टूडेंट है वो 102 रुपये की। जैसे लिखा हुआ है 7 वर्ष तक के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। विद्यार्थी टिकट के लिए कॉलेज या स्कूल का वैधता वाला पहचान पत्र दिखाने पर ही मान्य होगा। ओके, तो चलिए जी करते हैं पहले 52 रुपीज की, तो ऑनलाइन ही पेमेंट कर देते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करते हैं जी पहले। तो ये आ गया जी टिकट 52 रुपीज की। चलिए चलो अब करते हैं हम लोग एंट्री। ओनली वन।
थैंक यू। चलिए जी हो गई है अपनी एंट्री। जैसे ही लिखा हुआ है जी आनंद पोली द्वार। नहीं जी थैंक यू। तो एंट्री पे आप देखिए जी क्या बात है, एंट्री पे ही देवी देवता जी बैठे हुए हैं। तो ये जी वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं कि ये जो बनाया गया था वो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनाया था। तो चलिए जी हम लोग अब करते हैं एंट्री। ये फाउंटेन वगैरह आई थिंक रात को चलाते होंगे। तो चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। क्या बात है, यहां से एंट्रेंस। तो लो जी अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो आपने मेरे प्रीवियस जो एपिसोड में देखा था तो वो जी खिड़कियों वाला सीन आगे से था जो आपने देखा होगा। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये हवा महल की इधर वाली साइड खिड़की है, इसके पीछे का आपने मेरे पिछले एपिसोड में देख लिया होगा। तो अभी देखते हैं शायद क्या आपका ऊपर की एंट्री से हम लोग यू नो खिड़की से झांक कर देख पाए जहाँ से रानियां महारानियां जो हैं आज
आते जाते हुए लोगों को खिड़कियों से झांकती थी। लेट्स सी, अगर हमें भी अगर मिल गया ऐसा झांकने का मजा आ गया तो भाई हम भी क्यों नहीं करेंगे। हाँ, जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो हम लोग खिड़की से निकलेंगे बाहर। ज्यादा निकला नहीं जाएगा, लेकिन जैसा भी है आप देखिए। तो एक ऊपर से देखते हैं जी एंट्री करके, अगर हम लोग ऊपर से जा पाए और खिड़की से एक बार यू नो झांक पाए। ऊपर से किधर से जाना होगा एंट्री? सीढ़ियां इधर से? अच्छा, दीवार किधर? ओके ओके, तो यहाँ दे रखे जी इधर से ऊपर जाने की जगह। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर की तरफ। तो भैया यहाँ घोड़े पे बिठा रहे हैं और मेरे को ना ढोल सुन के, मैं एक्चुअली ऊपर आया है इसलिए भी ढोल बज रहा है। कैसे हो भैया? बस ठीक है भैया। क्या नाम है आपका? अजय पाल। अजय पाल, यहाँ मतलब कब से कर रहे हो? ये कौन से ही हो? क्या बात है, कैसे मतलब क्या चार्ज है इसके घोड़े के? 50 रुपीज। अजय, क्या नाम? अजय नाम बताया? अजय पाल। तो हवा महल में जी अजय पाल जी हैं हमारे, आप आइएगा। तो भाई अजय पाल जी से 50 रुपीज़ में डांस जरूर कीजिएगा, घोड़े पे डांस करवाएंगे आप। पर आप देख सकते हैं जी, बढ़िया। सारा अभी हम हवा महल में ही हैं और लोकेशंस बड़ी अच्छी अच्छी हैं यार अंदर। मतलब बंदा अगर फोटोज वगैरह खींचना चाहे ना तो तरीके से यू नो फोटोज वगैरह खींच सकता है, एंड बढ़िया। तो चलिए अब लोग हम चलते हैं जी अपना बाहर की तरफ, निकलते हैं यहाँ से।
सुनने में ये आता था कि यहाँ पे जो महारानियां महारानियां होती थी जो लोगों को देखना चाहती थी इधर उधर से नो अपने छोटे छोटे रोशनदानों के बीच में से, तो वो यहाँ से देखती होती थी। अच्छा तो इधर से ऊपर है और इधर से हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं। एक्चुअली हवा महल भी यार बहुत बड़ा है। सीढ़ियां बड़ी छोटी छोटी हैं। अच्छा तो लोग सबसे अभी ऊपर हम लोग आए हैं, तो यहाँ से ही हम यू नो रोशन दान में से जाके देख सकते हैं। अभी तो जैसे यहाँ पे लोक लगा हुआ है लेकिन आई थिंक ये वाला ओपन होगा, ये भी बंद किया हुआ है। अच्छा इधर से देखते हैं एंट्री मार्केट। ये वाला ओपन है नीचे देखिए जी। ये जो कल हमने यू नो एक एपिसोड जो कैप्चर किया था वो कल हमने नीचे की इधर की मार्केट का किया था, और हवा महल जो आपने वहां से इधर का देखा। छोटी छोटी सी जगह बनाई है यार। इधर से ही आपको जी वो दिख जाएगा फोर्ट। ये देखिए ये भी हम लोग जाके सोच रहे हैं कि आज क्यों ना कैप्चर किया जाए। और इधर ये रहा जंतर मंतर जो बहुत ही बढ़िया बनाया हुआ है। तो इधर कोई कोई इन्होंने ओपन किया हुआ है जी, बाकी सारा बंद किया हुआ है। आप देखिए अगर यहाँ से अगर ऐसे देखेंगे तो ऐसे है। बाकी चलो यहाँ से अब चलते हैं नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ जाके अभी देखते हैं और चीजें की और क्या क्या चीजें है एक्सप्लोर करने वाली बेसिकली हवा महल के अंदर। हम लोग वहां पे थे तो वहां से सीधा हम इधर आ गए। नीचे जो है देखिए अब फुहारा वगैरह भी चला दिया है इन्होंने। देखिए भाई हमारी फोटो तो खींचने वाला कोई है नहीं, लेकिन हम ऐसे ही अपनी फोटो खींच लेते हैं। तो चलिए जी इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। होप आपको ये हवा महल का ये एपिसोड पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो जो होने वाली है, जो नेक्स्ट एपिसोड हमारा जयपुर का आने वाला है, वो शायद उसमें हम जंतर मंतर और सिटी पैलेस जो है वो कवर करेंगे। ठीक है तो अब निकलते हैं जी हवा महल से बाहर और एग्जिट देखते हैं यार। सबसे पहले तो यहाँ की एग्जिट किस तरफ होगी। यहाँ से
निकलने का भी भाई, एग्जिट करने का भी, मतलब इतना बढ़िया सिस्टम बना रखा है हवा में तो भाई। राजस्थान में ना राजसी जो ठाट 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 बात है भाई साहब का जो है, मैं जा रहा आ गया।